जेल में प्रधानमंत्री जी 30 के जगह 300 लोग एक वार्ड में रह फूस दिए जाते हैं, क्या उसके लिए कोरोना वायरस नहीं है? प्रधानमंत्री जी आपको बताना चाहिए अस्पताल में आदमी पर आदमी, क्या उसके लिए कोरोना वायरस नहीं है? प्रधानमंत्री जी आपने समय मांग लिया, कोरोना वायरस एक महामारी है, डरा दिया, आपने पैनिक कर दी, आपने जिम्मेदारी से आप भाग गए, आप और नीतीश कुमार दोनों आदमी, कि आप डर जाओ और आप कहो कि हमने तो आपको डराया था, कहा था, आपने उस बात को नहीं माना। लेकिन ना तो नीतीश जी ना तो प्रधानमंत्री जी आप या नहीं बोले कि अस्पताल कहां पर है, मैं फ्री इलाज करूंगा। आप आओ, कहां पर आओ, ये सवाल खड़ा नहीं किए। किसी भी अस्पताल में सैनिटाइजर नहीं है। आपको चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी, हर मोहल्ले में बड़ी बड़ी ढेर का कचरा है, बड़ा बड़ा ढेर कचरे की है, क्या आप और नीतीश कुमार उस कचरे को हटाएंगे, क्या आप निकालेंगे? ये सवाल जन अधिकार पार्टी का और बिहार की जनता का और देश की जनता का आपसे है, उस पर पप्पू यादव नहीं है। क्या वो गंदगी का ढेर से रहने के बाद से कोरोना वायरस क्या चला जाएगा? इस सवाल पर आपने नहीं कहा। आपने कहा 3 रुपया में मिलेगा मास्क, 40 रुपया दिल्ली में 300 से ऊपर में मिलता है, पटना में 100 रुपया ब्लैक मार्केटिंग हो गई। आप जब वोट मांगने घर घर जा सकते हैं प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी चिट्ठी पहुंचा सकते हैं, तो यह सवाल जनता का है कि आप सैनिटाइजर और एक मास्क घर घर क्यों नहीं पहुंचा सकते गरीब को?